नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत भी पीओके वापस ले रहा है, और इससे जुड़ी सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल वाइज बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बारे में जान लेते। तो दोस्तों, अब इस युद्ध में इसराइल की एंट्री हुई है, लेकिन इसराइल ना ही तो रूस के सपोर्ट में है और ना ही यूक्रेन के सपोर्ट में है, बल्कि ये रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने और रूस यूक्रेन के बीच सुलह कराने के लिए सामने आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसराइल के रूस और यूक्रेन के साथ रिलेशन काफी अच्छे हैं, और सोवियत संघ के विघटन के समय बहुत से लोगों ने इसराइल में अपनी शरण ली थी और उसके बाद इसराइल के नागरिक बन गए थे, और इसीलिए इसराइल ये चाहता है कि युद्ध और न बढ़े, साथ ही रूस यूक्रेन के बीच सुलह हो जाए। तो दोस्तों, इसी बीच पीओके को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है, जिसमें एक प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल कनवालजीत सिंह ढिल्लन ने कहा कि कुछ लोगों को लगता था भारत से आर्टिकल 370 कभी नहीं जाएगी, लेकिन समय आने पर इसे खत्म कर दिया गया, और इसी के साथ ही समय आने पर पीओके को भी भारत में शामिल कर लिया जाएगा, और इसके लिए ऑलरेडी संसद में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, और अब कुछ ही समय बचा है जिसके बाद पीओके भारत का हिस्सा होगा। तो दोस्तों, ये बात सुनकर बहुत से लोगों को तो अच्छा लगा होगा, और जिन्हें अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लेकिन इसी के साथ ही साथ कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा, इसलिए मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जो लोग देश का भला नहीं सोच सकते, उन्हें बुरा सोचने का भी कोई हक नहीं है, और मौजूदा सरकार से मेरी और मेरे देशवासियों की यही कामना है कि जल्द से जल्द भारत पीओके को अपने में शामिल कर ले, क्योंकि दोस्तों पीओके में रहने वाले भारत के नागरिक खुद ये बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत टॉर्चर हो रहा है और हमें इस टॉर्चर से मुक्ति दिलाई जाए। और साथ ही पीओके से ऐसी वीडियोस भी सामने आती रहती हैं जिनमें वहाँ के नागरिक ये कहते हैं कि हमें भारत में शामिल कर लिया जाए। वैसे आपका क्या सोचना है, भारत को रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीओके वापस लेना चाहिए या समय आने पर इसे ले लिया जाए? कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूले। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।